दोस्तों पहले लेते हैं कस्टमर रिव्यू। तो सत श्रीकाल सर। तो सर कितना टाइम हो गया इनके पास को मट्ठे चने ट्राई करते हुए आपको? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। तो आप बता रहे थे हम डेली इनके कुछ ना कुछ जरूर हम खा के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भीगा कुलचा हो गया, मट्ठी चने हो गए या सूखे कुलचे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों कितना टाइम हो गया इनको आते हुए इनके पास? काफ़ी साल हो गए हैं। काफ़ी साल हो गए आपको ना? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। ठीक है। तो आपका पास में ही है घर? साथ में ये शॉप है हमारी। अच्छा, शॉप है आपकी ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप साहब? तो गाइस आपको हमने मट्ठी चने वाली दुकानें तो काफ़ी दिखाई होंगी, बट आज हम आए हैं बड़ी एक यूनिक शॉप है और काफ़ी इनको साल हो गए हैं और इनका नाम चलता है जी गोपाल जी चने वाले। तो इनकी जो लोकेशन है बड़ी इजी है, जब भी आप बटाला रोड पर यहाँ शिवाला मंदिर के पास आएंगे तो वहाँ पर सुंदर नगर में 3 नंबर गली के अंदर इनकी शॉप है, बिल्कुल कॉर्नर पर। तो अपने जो चने के लिए तो फेमस है यहाँ, इनके जो भीगा कुलचा है, मट्ठी चने हैं और सूखे कुलचे हैं, उनके लिए बड़े ही फेमस है अपने अमृतसर में। तो काफ़ी देर से इनके पास जो है कस्टमर आ रहा है, तो बाकी हम गोपाल जी से बात करेंगे कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इनके जो चने हैं बिल्कुल ऑथेंटिक अमृतसरी जो चने होते हैं, वो जो सिंपल तरीके से तैयार होते हैं वही चने होते हैं। बाकी जो मट्ठी बनाते हैं, बाकी हम इनसे पूछे भी कैसे मट्ठी तैयार करते हैं, वो आज हम ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस करते हैं जी इनसे बात, उससे पहले लोकेशन चेक कीजिए। दोस्तों ये मेन बाज़ार है सुंदर नगर का, बड़ा ही फेमस है अमृतसर में। तो जब ये दो रास्ते आते हैं, एक अपने पवन नगर की तरफ से आ जाता है और दूसरा जो है अपने शिवाला कॉलोनी की तरफ से भी आ जाता है। तो देखिए ये 3 नंबर गली है, गली के बिल्कुल कॉर्नर पे इनकी शॉप है और देखिए सुबह का टाइम है और रश पड़ना भी शुरू हो गया इनके पास। तो चलिए गाइस करते हैं जी ओनर से बात। दोस्तों हमारे साथ हैं दुकान के ओनर। तो नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर बड़ी खुशबू आ रही है, क्या राज है आपके चने का? चने बनाते हैं, इनमें मसाला डालते हैं हम। अच्छा, मसाला डालते हो? हाँ जी। वाकई में सर बड़ी खुशबू आई है यहाँ पर। हाँ जी। तो सर थोड़ा बताइए कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ था इस काम में? ये पहले मैं तो नौकरी करता रहा, ये ऐसे ही कुलचे चने की दुकान पे। अच्छा जी, मतलब पहले जॉब करते थे आप? जॉब करता था पहले। अच्छा जी। तो उसके बाद मैंने फिर अपना खुद स्टार्ट कर लिया काम। आपने स्टार्ट कर लिया जी, बहुत आप मतलब काफी आपने हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। और मैं देख रहा हूँ सर आपके चने बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, बड़े थिक चने हैं। तो सर इसका क्या राज है बनाने का? इसका बनाने का चने उबाल के हम खुद मसाले तैयार करते हैं खुद अपने आप। अच्छा जी अच्छा जी। मसाले तैयार करके खुद अपने आप बनाते हैं, साफ तो लेके पसा के खुद बना के तैयार करते हैं। क्या बात है, मैं बिल्कुल अपने जैसे घर में कुछ चीज बनती है वैसे ही आप अपने बड़े प्यार से बनाते हो। हाँ जी हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ अभी सुबह का टाइम है, सुबह इतना रश है, दोपहर को कितना रश होता होगा। हाँ जी। तो गोपाल जी इसके अलावा क्या क्या बनाते हो आप, साथ में क्या क्या देते हो? कुलचा मट्ठे कुलचे छोले देते हैं। अच्छा, भीगा कुलचा है। अच्छा जी। मट्ठी चने हैं। हाँ जी, जो आज हम ट्राई करने आए मट्ठी चने। हाँ जी। तो सर गोपाल जी ये बताइए जो मट्ठी है कैसे तैयार करवाते हो? मट्ठी हम खुद तैयार करते हैं घर में। अच्छा, खुद तैयार करते हो आप? हाँ जी। जैसा वैसे तो हमने सुनने में आया मोस्टली बाजार से लोग करते हैं, आप लेते हैं बाजार से लोग। तो सर कुछ बताइए कैसे तैयार होती है मट्ठी आपकी? मट्ठी बस मैदा लेके उसको मोन डालते हैं, अच्छी तरह खस्ता मट्ठी। अच्छा, बनाते हैं बड़ी अच्छी सी। अच्छा, मोन वाली मट्ठी होती है अपनी? मोन वाली मट्ठी होती है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। ये उसमें बाकी बढ़िया फ्राई करते हैं, बढ़िया रिफाइंड, बड़े अच्छे रिफाइंड, तो बढ़िया जाके खस्ता मट्ठी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और काफी इनके पास मट्ठी चने का काफी 200 कस्टमर आ रहा है। तो अपने और साथ में क्या खट्टा वगैरह क्या मिलता है हमें? खट्टा मिलता है हमारे पास, ये इमली का बनाया होता है। अच्छा, इमली का होता है? हाँ जी, उसमें हमने डाला होता है पुदीना वगैरह, हरी मिर्च वगैरह। और सैलड में आजकल जैसे आंवला वगैरह चल रहा है? हाँ जी, आंवला है, मिर्च है, प्याज है, वो तो चलता रहता है ना जी। जैसे आगे सर्दियों में हमें मूली वगैरह भी मिलने वाली है। बस आगे मूली चल जाएगी। तो अपने गोपाल जी किसी ने आपके दुकान पर आना हो तो क्या एड्रेस है आपका प्रॉपर? हमारा एड्रेस है यहाँ सुंदर नगर मेन बाजार। अच्छा जी। गली नंबर 3। गली नंबर 3। हाँ जी, मतलब बिल्कुल इजी है आपके पास आना। हाँ जी बिल्कुल। जैसे शिवाला मंदिर की तरफ से भी आ जाता है, बटाला रोड की तरफ से भी आ जाता है, बिल्कुल सारे हर पास से आ जाते हैं, हर तरफ से आ सकता है बंदा। हाँ, बड़ा इजी है। और टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। ठीक है। पैकिंग वगैरह भी आप करके देते हो? पैकिंग। और यहाँ पर बड़े बंदा आराम से भी खड़े होकर खा सकते हैं, बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। पैकिंग हमारी बाहर तक भी जाती है। बाहर जाती है? कहाँ जाती है जी? जलंधर, लुधियाना, मतलब। अच्छा जी, मतलब अमृतसर से बाहर भी जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन में मतलब चने रहते हैं, एक दिन चने रह जाते हैं? हाँ, सुबह मतलब लेके शाम तक हमारे चले, शाम तक चने खराब नहीं होंगे ना? 12 घंटे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया जी। दोस्तों इनके बाहर भी चने जाते हैं, जलंधर लुधियाना तक भी जाते हैं। बाकी मसाला वगैरह हम वो भी करते हैं। मसाला वगैरह भी अपना खुद का आप देते हो? देते हैं ग्राहक। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो ठीक है गोपाल जी, मेरे मुंह में आ गया पानी, देखते हैं अब क्या क्या आपने बनाया। गोपाल जी पहले दिखाने लगे अपनी मट्ठियाँ जो बनी हुई हैं, वाकई में बड़ी साफ सफाई में बनी हुई है ना? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल साफ। और काफी मुझे मतलब खस्ता मट्ठी लग रही है, जैसे आप बता रहे थे मोन करके बनाते हैं। हाँ जी मोन। तो सर कुछ बताइए मट्ठी में क्या क्या डलता है?
मट्ठी में थोड़े से हम अजवाइन डाल देते हैं। अच्छा अजवाइन भी डलती है? हाँ, हल्की सी, हल्का सा नमक होता है इसमें। अच्छा नमक भी होता है थोड़ा सा, मतलब माइनर सा। हाँ जी ठीक है। और घी वगैरह डालते होंगे मोन के लिए? मोन के लिए डालडा घी डालते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, हलवाई स्टाइल वाली मट्ठी होगी ना आपकी? हाँ जी बढ़िया। ठीक है जी। और आपका मैंने मसाला भी सुना है, मसाला भी दिखाएं हमें। हाँ जी मसाला भी है हमारे पास जी। अच्छा जी ये मसाला रखा हुआ आपने? क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इन्होंने डब्बे में डाला हुआ है, तो यहाँ पर मतलब जैसे आता है कोई पैकिंग वगैरह करके आप देते होंगे ना? ठीक है, मतलब 10, 20 का, 40 का, 50 का जितना भी लेना चाहे। और थोड़ा सा आइडिया भी दे देते हो कैसे तैयार करने हैं चने वगैरह? सारा बता देते हैं। तो ये चने के लिए होते हैं या और भी किसी में डाल सकते हैं? चने के लिए, ओनली चने के लिए, अमृतसरी चने के लिए ना? बहुत ही बढ़िया जी। अब फिर अब हमें चने भी दिखा दीजिए अपने, जरा वो भी हम अपने दोस्तों को दिखाएं चने कैसे हैं। क्या बात है, ये देखिए जी ये इनके चने, और कलर देखिए कितना बढ़िया है चनों का, है ना? वाकई में बिल्कुल सिंपल और साफ़ सुथरे चने लग रहे हैं मुझे। ठीक है जी। तो ठीक है जी, अपने गोपाल जी मेरे लिए प्लेट तैयार कर दीजिए, मटने लगे मट्टी चने तैयार। सबसे पहले इसको क्रश कर लेंगे जी। हाँ जी क्रश करेंगे जी। क्या बात, ये देखिए आवाज़ सुनिए कितनी बढ़िया आ रही है, बिल्कुल खस्ता जो मट्ठी तैयार करते हैं और खुद तैयार करते हैं, सबसे बड़ी बात है खुद तैयार करते हैं। इसके ऊपर क्या डलेगा जी? अब चने डलेंगे जी, हमारे चने आ गए जी। क्या बात है, ये देखिए कने जो चने हैं उसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। खुद के मसाले हैं, खुद का सब कुछ है, बहुत ही बढ़िया। ये ऊपर प्याज आ गई, जैसे आजकल सैलड में प्याज चल रहा है। और ये आंवला दे दिया आपने? आंवला डाल दिया। ठीक है जी, मिर्ची भी आ गई हमारी, और ऊपर आ गया जी पुदीने वाली। पुदीने वाली होती है जी? क्या बात है, पुदीने वाला खट्टा आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, लंच तो कर ही सकते हो ना, बहुत ही बढ़िया स्नैक्स टाइम। अच्छा शाम को भी सर मिल जाती है मट्ठी चने? जी 9 बजे तक मिलेंगे आप। अच्छा रात के 9 बजे तक मिल सकती है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। क्या प्राइस रखा है इसका? 20 रुपये, ओनली 20 रुपये। क्या बात है, कितना कुछ डाल दिया इन्होंने। तो गोपाल जी आपके साथ और भी कोई काम करता है? मेरा लड़का करता है। अच्छा आपका लड़का काम करता है, पूरा काम संभालते हैं वो? हाँ जी पूरा पूरा, मतलब पूरी आपको सपोर्ट करते हैं वो? बिल्कुल पूरी। ठीक है जी, देखिए जी कितनी बढ़िया टेम्पटिंग प्लेट कर दी तैयार इन्होंने गोपाल जी ने, तो मुझसे तो अब रह नहीं जा रहा। गोपाल जी अब करते हैं ट्राई, फिर बताते हैं अपने दोस्तों को। तो दोस्तों कर दी गोपाल जी ने हमारे लिए मट्ठी चने की प्लेट तैयार, और काफ़ी रश था इनके पास, काफ़ी टाइम लगा हमें अपने कवर करते हुए। तो और देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने टेम्पटिंग प्लेट तैयार कर दी है। वैसे तो ये स्नैक्सो के तौर पर हम खाते हैं अमृतसर में, तो बहुत ही फेमस है इनके मट्ठी चने, और स्पेशली इनकी जो मेन बात है ये मट्ठी खुद तैयार करते हैं। ज़्यादातर जो चने वाले होते हैं वो मट्ठी वो बाहर से बनवाते हैं, तो ये खुद तैयार करते हैं। जैसे इसमें अजवाइन डालते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं जैसे उन्होंने बताया, और घी डालते हैं जिससे मोन होती है, खस्ता मट्ठी जो मट्ठी है बनती है। और चने का तो टेस्ट बिल्कुल सिंपल चने का टेस्ट होता है, तो मसाले वगैरह अपने खुद के ये तैयार करते हैं बाइट। वाकई में टू गुड दोस्तों, टू गुड अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। और मट्ठी बिल्कुल काफ़ी पतली नहीं है, काफ़ी मोटी मट्ठी है, आपका बड़े आराम से एक मट्ठी से जो है पेट भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है 20 रुपये की प्लेट है, तो बड़े ही फेमस है सुंदर नगर गली नंबर 3 में। तो दो रास्ते आपको यहाँ पर ले आएंगे, एक तो बटारा रोड की तरफ से और दूसरा शिवाला कॉलोनी की तरफ से। तो किसी से आप पूछ सकते हो, बड़े ही फेमस है गोपाल जी चने वाले, कुलचे छोले वाले, आप कोई भी आपको बता देगा। तो बहुत ही बढ़िया जो ऊपर उन्होंने खट्टा और प्याज डाले उसके साथ वो टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया हो गया। चने का जो साइज है बिल्कुल मीडियम साइज है, और सबसे बड़ी बात है अंदर तक गला हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप अमृतसर से हैं या अमृतसर से बाहर से हैं, तो जब भी आप अमृतसर आएँ तो इनके जो मट्ठी चने खा के जुट जाएँ, बड़े ही फेमस है। आप कहीं से भी ई रिक्शा करके यहाँ पर आ सकते हो, पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं, शाम तक इनके चने कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही रहते हैं। और मसाला भी आप इनके पास से लेके जा सकते हो, घर में भी अपने जो है अमृतसरी चने तैयार कर सकते हो। तो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।